इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10 अध्याय 3 लोकतंत्र और विविधता भाग 2। इसमें हम जानते हैं समानताएं असमानताएं और विभाजन। हम ये परिचय पढ़ चुके हैं, अब सीधा शुरुआत करते हैं सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति। ठीक है, सामाजिक भेदभाव कैसे पनपा, कैसे समाज में दिखाई दिया और कौन कौन लोग इसमें प्रधान का कार्य कर रहे थे। ठीक है, सामाजिक विभाजन अधिकांश जन्म पर आधारित होता है। सामाजिक विभाजन जन्म के वजह से होता है। अब किस कुल में, किस घर में, किस समाज में पैदा हो रहा है, पैदा होने के बाद कुछ नहीं होता है, पैदा के समय ही होता है। सामान्य तौर पर अपना समुदाय चुनना हमारे वश में नहीं होता। हम सिर्फ इस आधार की किसी खास समुदाय के सदस्य हो जाते हैं। अब देखो बात है कि हम जिस समुदाय में पैदा होते हैं हम उसी समुदाय के हो जाते हैं, कि हमारा जन्म उस समुदाय के लिए, उस समुदाय के एक परिवार में हुआ है तो हम भी उस समुदाय के हैं। बस जन्म पर आधारित सामाजिक विभाजन का अनुभव हम अपने दैनिक जीवन में लगभग रोज करते रहते हैं। हम अपने आसपास देखते हैं कि चाहे कोई स्त्री हो या पुरुष, लंबा हो या छोटा, सबकी चमड़ी का रंग अलग अलग है। सब मानते हैं कि सबकी चमड़ी का रंग अलग अलग होता है। उनकी शारीरिक क्षमताएं या अक्षमताएं, यहाँ पर देखो उनकी शारीरिक क्षमताएं और अक्षमताएं अलग अलग है। समझो कि जाति के अनुसार भी कुछ लोगों का शारीरिक तौर से बनावट अलग अलग होता है। मुसलमानों का बनावट अलग होता है, राजपूतों का अलग होता है, ब्राह्मणों का अलग होता है, ओबीसी में रहने वाले का अलग होता है, तेली लोग का अलग होता है, राइजी लोगों का अलग होता है, और बताता हूँ अनुसूचित जाति का अलग होता है, अनुसूचित जनजाति का अलग होता है, ये लोग काले लोग होते हैं, और दलितों को ले लो तो पूरा काले होते हैं। तो ये सब ऐसे भेदभाव यहाँ पर किया गया है। और क्षमता की मैं बात कर दूं तो हर किसी का शारीरिक क्षमता अलग अलग होता है। सोचने की क्षमता, करने की क्षमता, शरीर के अंदर अंदरूनी ताकत, ये सब प्रकार जेनेटिक तौर पे आता है, इसलिए अलग अलग माना जाता है। बहरहाल सभी किस्म के सामाजिक विभाजन, सभी किस्म के सामाजिक विभाजन सिर्फ जन्म पर आधारित नहीं होते हैं, जन्म पर आधारित नहीं होते हैं। कुछ चीजें हमारी पसंद या चुनाव के आधार पर भी तय होती है। जैसे में कई लोग अपने माँ बाप और परिवार से अलग अपनी पसंद का भी धर्म चुन लेते हैं, चाहते हैं कि जो हमें पसंद है उसी धर्म को हम अपनाएंगे। हम सभी लोग पढ़ाई के विषय, पेशे, खेल या संस्कृति गतिविधियों का चुनाव अपनी पसंद से करते हैं। जैसे मैं देख लो, हम जो भी हैं, हमको कौन सा पढ़ाई करना है अपने अनुसार चुनते हैं कि नहीं, हमको कौन सा पेशा में कमाना है उसका भी अधिकार हम लोग खुद चुनते हैं, कौन से खेल खेलना है इसका भी अधिकार हमारे पास है, कौन से संस्कृति गतिविधियों में हमको जाना है चाहे उसका चुनाव करना है वो भी हमारे ऊपर होता है। तो हम कैसे मान लें कि यार हम जिस धर्म में पैदा हुए हैं वही धर्म हमारा हो गया, कैसे मान लें? नहीं मानने का। जो धर्म में आप पैदा होते हो उस धर्म का नहीं होते हो, आपके करनी, आपके काम, आपका काम वही बताता है कि आप कौन से धर्म के हो। अगर लड़ना जानते हो क्षत्रिय कहलाओगे, पढ़ना जानते हो शास्त्रीय कहलाओगे, ठीक है, या आप बिजनेस करना चाहते हो तो वैश्य कहलाओगे, अगर आप खेती बाड़ी करते हो तो किसान कहलाओ, किसान सबसे ऊपर श्रेणी में आता है, याद रखना हमेशा। ये मैं नहीं बोलता हूँ श्रेणी की बात, सबसे ऊपरी श्रेणी में किसान आता है और पशुपालन करने वाले लोग आते हैं। इसलिए सबसे बड़ा अपने आप को मानो कि हम उन जानवरों को पालते हैं कई गुना ज्यादा अच्छा काम करते हैं बाकी लोगों से। इन सबके आधार पर भी सामाजिक समूह बनते हैं और ये जन्म पर आधारित नहीं होते, ये लोग जन्म पर आधारित नहीं होते हैं। जन्म किसी भी जाति में लिए लेकिन जो इनका करना है वही करेंगे, ये मानना यहाँ पर इन लोगों का है। ये कार्टून आप देख सकते हैं यहाँ पर, इस कार्टून से हर व्यक्ति अलग अलग अर्थ निकाल सकता है। आपको इस कार्टून का क्या मतलब समझ में आता है, आपकी कक्षा के अन्य छात्र इससे क्या अर्थ निकालते हैं ये समझो। आप देखो कुल्हाड़ी हाथ में लेकर गला काट लिया है, ठीक है, इसके बारे में आप क्या समझा रहे हो, हाथ में देखो पेर लिया हुआ है, चलो इसके बारे में समझो कि आप क्या समझते हो। 10 सेकंड का मौका देते हैं, हम सोचो सोचो जल्दी जल्दी सोचो, सोचने का ही काम है अपने पास।
सोच लिए, 10 सेकंड पूरा हो गया है। आप जो भी सोचे हैं कमेंट करके बता सकते हैं। मैं बताता हूं, यहाँ पे हाथ में जो आपको दिख रहा है ना, ये पेड़ का लट्ठा है, मतलब पेड़ का सिल्ली, मतलब ये कुल्हाड़ी से पेड़ को काट रहा है। पेड़ को काटने का मतलब होता है अपना गला काटना। क्या? अपना गला काटना। क्योंकि जितना सम्मान हम अपने आप को देते हैं, उतना सम्मान अगर पेड़ पौधों को देंगे तभी हमारा जीवन बचेगा, नहीं तो हमारा जीवन नहीं बचने वाला बाबू। इसलिए बउआ जी लोग, आप थोड़ा कोशिश करना कि कम से कम कचरा फैलाओ, कम से कम प्रदूषण करो। सब्जी लेने के लिए भी आप मोटरसाइकिल से मत जाओ, साइकिल से जाओ, पैदल जाओ। आप कोचिंग जाना है, साइकिल से जाओ, पैदल जाओ। हर चीज के लिए बाइक मत उठा लो यार। आजकल माँ बाप खूब कमा रहे हैं इसलिए बाइक खरीद के दे सकते हैं, लेकिन अपना कर्तव्य समझिए, इलेक्ट्रिक बाइक का इस्तेमाल कीजिए। हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेता है। देखो यहाँ पे, हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेता है। कैसे? सामाजिक विभिन्नताएं जो अलग अलग प्रकार के समाज होते हैं, लोगों के बीच बंटवारे का एक बड़ा कारण होती जरूर है, लेकिन यही विभिन्नताएं कई बार अलग अलग तरह के लोगों के बीच पुल का काम भी करती है। ये जो विविधताएं हैं, अलग अलग लोगों के बीच में जोड़ने का भी काम करता है। कैसे? विभिन्न सामाजिक समूहों के लोग अपने समूह की सीमाओं से पड़े भी सामान्यताओं और असामान्यताओं का अनुभव करते हैं। कि हमारे पास सामान्यताएं हैं, उनके पास असामान्यताएं हैं, इसका भी अनुभव कर लेते हैं। जो उदाहरण पहले दिया गया है, जो भी उदाहरण पहले दिया गया है, उसमें कार्लोस और स्मिथ को एक हिसाब से सामान्य थे। कार्लोस और स्मिथ एक हिसाब से देखा जाए तो सम्मान थे, एक जैसे थे। दोनों एग्रो अफ्रीकी थे, दोनों एग्रो अफ्रीकी, दोनों काले लोग थे, जबकि नरमन श्वेत था, नरमन उजला था। फिर भी वो साथ क्यों दिया? क्यों दिया? क्योंकि वो दोनों समुदाय को जोड़ना चाहता था। अगर इन तीनों में एक समानता थी, तीनों में एक समानता थी कि वे इसी नस्ल आधारित भेदभाव के खिलाफ थे। उनके पास समानता ये थी कि हम इस नस्ल भेदभाव के खिलाफ हैं, हम खुल का प्रदर्शन करना चाहते हैं, आप हमारा साथ दो, ये कहना चाहते थे। अक्सर यह देखा जाता है कि एक धर्म को मानने वाले लोग खुद को एक ही समुदाय का सदस्य नहीं मानते हैं, क्योंकि उनकी जाति या उनका पंथ अलग होता है। यह भी संभव है कि अलग अलग धर्म के अनुयायी होकर भी एक जाति वाले लोग खुद को एक दूसरे के ज्यादा करीब महसूस करने लगते हैं। ये मानना जरूरी होता है, सब कोई मान लेता है। फिर से बताऊं, यह भी संभव है कि अलग अलग धर्म के अनुयायी होकर भी, अलग अलग धर्म को मानने वाले कट्टर धर्म निरपेक्ष भी लोग, एक जाति वाले लोग खुद को एक दूसरे के ज्यादा करीब महसूस करते हैं। जैसे मैं समझो, आज जितना भी सोसाइटी बन रहा है, सब भले धर्म अलग अलग हो, लेकिन सोसाइटी में फंक्शन होता है तो सब सोसाइटी वाले मिलकर वहां पर कोई भी फंक्शन निभाते हैं, कोई भी फंक्शन चलाते हैं। क्यों चलाते हैं? सोसाइटी का मतलब ही होता है कि हर समुदाय को एक रास्ते पर लेकर आगे बढ़ाओ। एक ही परिवार के अमीर और गरीब ज्यादा घनिष्ठ संबंध नहीं रख पाता। फिर से सुनो, एक ही परिवार के अमीर और गरीब ज्यादा घनिष्ठ संबंध नहीं रख पाते, क्योंकि सभी अलग अलग तरीके से सोचने लगते हैं। ये बात यहाँ पर है कि एक ही परिवार में अमीर और गरीब, इसके ऊपर एग्जाम्पल देता हूँ, दूसरा नहीं दूंगा, मैं अपने परिवार से ही देता हूँ, जो मेरे पास है उसी का देता हूँ, दूसरा नहीं देने वाला मैं। तो चलिए मैं बताता हूँ। हमारे चाचा, वो पहले मिल में काम करते थे तो अच्छा खासा कमाते थे। हमारे बड़े पापा जो थे, वो उनका भी दुकान चलता था तो बहुत अच्छा कमाते थे, खूब पैसा लुटाते थे। धीरे धीरे कुछ लोग यहाँ पर कमाना चालू कर दिए, मनमुटाव चालू हो गया, अपना चलाने लगे, जिसके वजह से घर में बंटवारे हो गए। घर में बंटवारे हो गए, सब अलग अलग हो गए। आज हम अपने गांव में भी देखते हैं, अगर हम किसी रीति रिवाज को बदलना चाहते हैं तो लोग हमको मारने के लिए उतारू हो जाते हैं। मेरे गांव के लोग हमको मारने के लिए उतारू हो जाते हैं, लेकिन हमने कभी हाथ नहीं उठाया है। क्यों? क्योंकि हम मानते हैं कि गांव के बड़े, जो भी हाथ उठाते हैं बड़े लोग ही होते हैं, चाहे रिश्तेदार में बड़े हो चाहे उम्र में बड़े हो। तो हमारे परिवार का एक सदस्य पागल हो गया है, इसका मतलब मैं नहीं, मैं भी पागल हो जाऊं, जरूरी नहीं। हम मानते हैं कि मेरे परिवार का एक सदस्य ना समझ है, समझ नहीं पा रहा है,
और हम भी वही काम करेंगे तो उनके में और हमारे में अंतर क्या बच जाएगा? कुछ नहीं बचेगा। लेकिन इतना डरवा धमका कर रखना पड़ता है कि जिस दिन हम हाथ उठा दिए उस दिन आप लोगों का गांव में टिकना मुश्किल हो जाएगा। ये कभी कभी बोलना पड़ता है मजबूरी में, जब पानी सिर के ऊपर चढ़ने लगता है। तो मैंने बहुत सारा धर्म बदलने की कोशिश किया, जैसे मैं लड़कियों के शादी में गाना गाने का, लड़कियों के शादी में कुछ रीति रिवाज, पंडितों के लिए पूजा के लिए, गांव में कुछ फंक्शन हो रहा है उसके लिए बहुत कुछ सुधारने के लिए कोशिश किया हूँ, बिहेवियर सुधारने के लिए, लोगों का मानसिकता सुधारने के लिए भी काम किए हैं। लेकिन लोग हमारा विरोध ही कर देते हैं। हाँ, पहले ना समझते, कुछ भी बोल देते थे, लेकिन अब तो मैं समझदार हो गया हूँ ना, तब कुछ बोलता हूँ फिर भी वही हाल है। लेकिन धीरे धीरे मेरे गांव के लोग भी अब संभल रहे हैं। थोड़ा पैसे की उनको जरूरत होती है, कभी कभी वो भी देना पड़ता है, कभी कभी उनको किसी शक्ति की जरूरत होती है तो वो भी साथ देना पड़ता है, बटाना पड़ता है, कभी कुछ जरूरत हो जाती है तो वो भी कुछ देना पड़ता है, कभी साथ की जरूरत होती है तो साथ भी देना पड़ता है। तो ऐसे कर करके हम मतलब वहां पर अमीर गरीब का फर्क हटाते हैं। लेकिन ऐसे भी लोग हैं हमारे गांव में, कुछ लोगों के पास दो तीन फोर व्हीलर क्या हो गया, वो भी सेकेंड हैंड खरीद देते हैं। तो फोर व्हीलर लेकर अपने आप को लगता है कि सुपरस्टार अमिताभ बच्चन समझ लेते हैं। मैं आज तक करोड़ों रुपए का ट्रांजेक्शन अपने हाथों से करवा चुका हूँ। कितना? करोड़ों रुपए का ट्रांजेक्शन एक एक बार में मैं करवा चुका हूँ। दूसरे का डील साइन करवाना मेरा काम होता है, तो मैंने बहुत डील साइन करवाया है, लेकिन आज तक इतना घमंड नहीं हुआ। मुझे एक भी रुपया नहीं मिला था, एक भी रुपया मिला भी नहीं है, फिर भी मुझे घमंड नहीं हुआ कि हम इतना रुपया हम कहीं भी दिलवाते हैं, चाहे टेंडर पास होता है, चाहे कुछ भी। लेकिन यहाँ पर देखो, लोग चंद रुपया का कमा लेते हैं, महीना का लाख रुपए का कमा लेते हैं, उनको लगता है कि हम सातवें आसमान पर पहुंच गए हैं। अब बताओ इसमें कहां से उनके बारे में सही बोलूं मैं? चलिए आगे की बात अलग बता देता हूं। इस तरह लोग एक से ज्यादा सामाजिक समूहों का हिस्सा हो सकते हैं। दरअसल हर संदर्भ में हमारी पहचान एक अलग रूप धारण करती है। हर संदर्भ में देखोगे ना तो अपना रूप अलग अलग धारण कर लेती है। कैसे? खेती करते हो तो आप किसान कहलाते हो, पढ़ाई करते हो विद्यार्थी कहलाते हो, बिजनेस करते हो बिजनेसमैन कहलाते हो, नौकरी करते हो नौकरी वाले कहलाते हो, बाप बनते हो तो बाप कहलाते हो। तो अलग अलग धारण पहचान आपको हुआ कि नहीं? पहले आप आपका नाम कुछ भी हो, फलना कुमार, ठीक है, आपका नाम ये है। बाद में क्या कहोगे? आप इसके पति हैं। आपकी जो पत्नी होगी उस आपके नाम से वो जानी जाएगी, फलवा के पतो, फलवा के बहू, ऐसे नाम से जानी जाती है कि नहीं? मोहन के, चिंटू के, पिंटू के पतो, पिंटू के सास, पिंटू के ससुर, ऐसे सब बात होता है। रिसु के मामा, रिसु के मामी, रिसु के नाना, तो ये सब देखना पड़ता है यहाँ पे, क्योंकि अलग अलग संदर्भ की वजह से हमारी पहचान भी अलग अलग बढ़ जाती है, जाति के अनुसार भी बढ़ जाता है। आगे देखिए, हम अभी क्या पढ़ लिए? समानताएं और असमानताओं के बारे में पढ़ लिया। अब विभिन्नताओं में सामंजस्य और टकराव के बारे में पढ़ते हैं कि विभिन्नताओं में सामंजस्य कैसे हुआ, टकराव कैसे हुआ। चलिए नीचे, सामाजिक विभाजन तब होता है जब कुछ सामाजिक अंतर दूसरे अनेक विविधताओं से ऊपर और बड़े हो जाते हैं। फिर से बताऊं, सामाजिक विभाजन तब होता है जब कुछ सामाजिक अंतर दूसरे सामाजिक समाज में अंतर दूसरे अनेक विभिन्नताओं के ऊपर चले जाते हैं। जब समाज में ऊपर नीचे का भागदौड़ आ जाता है, हम ज्यादा बड़ा, हम ज्यादा बड़ा, हम ज्यादा बड़ा, तब समाज बढ़ता है। अमेरिका में श्वेत और अश्वेत का अंतर एक सामाजिक विभाजन भी बन जाता है। अमेरिका में देखे तो एक श्वेत और एक अश्वेत दोनों का सामाजिक विभाजन अलग अलग होता है। कैसे? एक को ज्यादा आदर मिलता है, एक को कम मिलता है, एक को ज्यादा सम्मान मिलता है, एक को कम मिलता है, एक को ज्यादा पैसा मिलता है, एक को कम मिलता है। तो ये अलग अलग सामान्यताएं हुआ कि नहीं? आंदोलन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्योंकि अश्वेत लोग आमतौर पर गरीब हैं, जितने भी काले लोग होते हैं आमतौर पर गरीब हैं, चाहे कहीं का भी देख लो, बेघर हैं, भेदभाव का शिकार है, घर भी उनके पास अच्छा नहीं है, भेदभाव के शिकार भी हैं। हमारे देश में भी दलित आमतौर पर गरीब और भूमिहीन है, उनके पास जमीन भी नहीं है, उन्हें भी अक्सर भेदभाव और अन्याय का शिकार होना पड़ता है।
जब एक तरह का सामाजिक अंतर अन्य अंतरों से ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है और लोगों को यह महसूस होने लगता है कि वे दूसरे समुदायों के हैं, तो इससे एक सामाजिक विभाजन की स्थिति पैदा हो जाती है। और यही ऊपर नीचे का चढ़ाव उतार चढ़ाव है कि जिसके वजह से सामाजिक विभाजन की स्थिति बन जाती है। अंतर, अगर आप अंतर करना बंद कर दोगे ना, सब ठीक हो जाएगा। आपको क्या लगता है, हम किसी को छूते हैं तो पूरा टच कर पाते हैं? नहीं कर पाते हैं। हम लोग पूरा किसी को आज तक टच नहीं किए हैं। हमारे मॉलिक्यूल्स आज तक किसी को टच होने ही नहीं दिए हैं। अगर एक सी सामाजिक असमानताएं अगर एक सी सामाजिक असमानताएं कई समूहों में मौजूद हो, तो फिर भी समूह के लोगों के लिए दूसरे समूहों से अलग पहचान बनाना मुश्किल हो जाता है। फिर से समझो, यहाँ पे सामाजिक असमानताएं कई समूहों में मौजूद हो, कि भैया हम ये हैं, हम वो हैं, हम ये हैं, फलना चिल्ला क्या क्या है, ठीक है, तो लोगों के लिए दूसरे समूह से अलग पहचान उन लोगों का मुमकिन हो जाता है। कैसे, सॉरी, मुश्किल हो जाता है। कैसे, यहाँ पर समझो, हिंदू, कोई बोले कि हम हिंदू हैं, ठीक है भैया, अब कोई बोले कि हम हिंदू में ये है, अलग हुआ कि नहीं हुआ? हम मुसलमान हैं, अब कोई बोले मुसलमान में हम ये है, तो उनकी अलग जाति श्रेणी हो गई कि नहीं हो गई? हुई ना। अब हम ब्राह्मण हैं, तो ब्राह्मण में फुड़वा ग्राह्मण, खड़वा ग्राह्मण, कड़वा ग्राह्मण, पता ना कौन कौन ब्राह्मण लोग, तब इसमें विभिन्नता आती है कि नहीं आती है? आती है ना। ये मुश्किल हो जाता है उन लोगों को साथ रखना। आज हिंदी में करीबन 21 भाषा, हिंदी में करीबन बहुत सारे भाषा को जोड़कर हिंदी बनाया गया है। आज हिंदी आप कहीं जाकर बोलो चलेगा, जरूर चलेगा। कुछ लोग हिंदी अलग बोलते हैं, जैसे मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि आप लोग कीजिएगा, और बाहर के लोग क्या बोलेंगे, तुम सब करोगे, इसको करोगे तभी समझ में आएगा क्या करने का है, समझे? ऐसे हम लोग क्या बोलेंगे, यूपी बिहार के लोग बोलते हैं, चलो कोई बात नहीं, आप कर लोगे, मैं जानता हूं आप कर लोगे। तो थोड़ा सा इसमें अंतर होता है, करोगे, कर लोगे, करो, कर लूंगा, तो ये सब इसमें थोड़ा थोड़ा अंतर आ जाता है, लेकिन बात तो एक ही होती है। अब भोजपुरी के ले लें, तो भोजपुरी बहुत लोग बोलने वाले लोग होते हैं। कहाँ कहाँ, मध्य प्रदेश, यूपी, ओडिशा, ओडिशा, बिहार, झारखंड, थोड़ा सा नेपाल, ये सब लोग भोजपुरी बोलते हैं। भोजपुरी का अच्छा खासा भोजपुरी बोलने वाला लोग। इसका मतलब यह है कि किसी एक मुद्दे पर कई समूहों के हित एक जैसे हो जाते हैं, ठीक है, जबकि किसी दूसरे मुद्दे पर अनेक नजरियों में अंतर हो सकता है। उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड का उदाहरण लेते हैं, चलिए उसके बारे में ही पढ़ लेते हैं। दोनों ही ईसाई बहुल देश है। क्या है, ईसाई बहुल देश है, लेकिन यहाँ के लोग प्रोस्टेट और कैथोलिक हैं। प्रोस्टेट और कैथोलिक एक धर्म होता है, तो अलग अलग समुदाय के लोग होते हैं, धर्म नहीं, समुदाय, समुदाय के लोग होते हैं, खेमे में बटे हैं। उत्तरी आयरलैंड में वर्ग और धर्म के बीच गहरी सामान्यताएं हैं। वहां का कैथोलिक समुदाय गरीब है, लंबे समय से उसके साथ भेदभाव होता आया है, ठीक है। नीदरलैंड में वर्ग और धर्म के बीच ऐसे दिखाई नहीं देती, और नीदरलैंड में वर्ग और धर्म के बीच में देखोगे तो दिखाई नहीं देगी। वहां कैथलिक और प्रोस्टेट दोनों में अमीर और गरीब हैं, दोनों समुदाय में अमीर और गरीब लोग हैं। परिणाम एक केवल यही है कि उत्तरी आयरलैंड में कैथलिकों और प्रोस्टेटों के बीच भारी मारकाट चलती रहती है। हमेशा ये लोग लड़ते झगड़ते रहते हैं, तो आगे कहां से बढ़ेंगे? लड़ना झगड़ना बंद करोगे भागो, तभी तो आगे बढ़ोगे। पर नीदरलैंड में ऐसा नहीं होता। जब सामाजिक विभिन्नताएं एक दूसरे से गुथ जाती है, तो एक गहरे सामाजिक विभाजन की जमीन तैयार होने लगती है, जहां वे सामाजिक विभिन्नताएं एक साथ कई समूहों में विद्यमान होती है। वहां उन्हें संभालना अपेक्षाकृत आसान होता है। वहां उनको संभाल लेना बहुत आसान होता है, जहां पर तो कुछ लोग थोड़ा विद्यमान मतलब बुद्धिमान होते हैं, थोड़ा उन लोगों को थोड़ा नॉलेज वगैरह होता है। आज अधिकतर समाजों में कई किस्म के विभाजन दिखाई देते हैं, बहुत ज्यादा किस्म दिखाई देता है। देश बड़ा हो या छोटा,
इससे खास फर्क नहीं पड़ता है, इससे खास फर्क नहीं पड़ता है। भारत काफी बड़े देश है, भारत काफी बड़ा देश है और इसमें अनेक समुदायों के लोग रहते हैं। बेल्जियम छोटा देश है पर वहां भी अनेक समुदाय के लोग हैं। जर्मनी और स्वीडन जैसे समरूप समाज, कैसा समरूप समाज में भी जहां मोटे तौर पर अधिकतर लोग एक ही नस्ल और संस्कृति के हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप ले लो स्वीडन और जर्मनी का बात, ये सब लोग मोटे तौर पर अधिकतर लोग जितने भी हैं वो एक ही नस्ल और संस्कृति के लोग हैं। दुनिया के दूसरे हिस्सों में पहुंचने वाले लोगों के कारण तेजी से बदलाव हो रहा है और दुनिया के बहुत सारे हिस्से से लोग वहां पहुंच जाते हैं, इसलिए बदलाव तो होगा ही। ऐसे लोग अपने साथ अपनी संस्कृति लेकर पहुंचते हैं। समझो कोई बिहार से गया, पाकिस्तान से गया, हिंदुस्तान से गया, बांग्लादेश से गया, यूपी से गया, ये लोग अपनी संस्कृति को वहां पर ले जाएंगे और जमा देंगे, तो वो सबका मिलजुल कर एक हो जाता है मिलीजुली संस्कृति। उनमें अपना अलग समुदाय बनाने की प्रवृत्ति होती है, भैया हम अलग समुदाय बना सकते हैं। इस हिसाब से आज दुनिया के अधिकतर देश बहुसंस्कृतिक हो गया है। आज देखा जाए तो कहाँ का देश, दुनिया का अधिकतर देश जो है बहुसंस्कृतिक, मतलब हर देश का वहां पर लोग आकर रहना शुरू कर दिए हैं और वहां पर कार्यभार वो लोग अपना चलाते हैं। ठीक है, ये देखो रंगभेद। एक रोज किसी ने खोद निकाला 20वीं सदी का एक शहर और फिर लिखा अपना निष्कर्ष कुछ इस तरह यहाँ एक दिलचस्प अभिलेख है। इस नस्ल पर हर जाति और धर्म के लोगों को पानी पीने की अनुमति है। हर नस्ल के लोग, जाति के लोग वहां पर पानी पी सकते हैं क्योंकि वहां से पानी निकाला जाता है। क्या मतलब होगा ऐसा लिखने का? क्या यह समाज आपस में बटा हुआ था? क्या इस समाज में कुछ ऊंचे थे और बाकी नीचे थे? ठीक है, फिर भी इस शहर को दफन कर देना ही बेहतर होगा। कैसे? क्यों कहा गया कि फिर मशीन का युग हुआ? अभी मशीनी युग चलता है कि नहीं, हर जगह पर मशीन? यह तो 20वीं सदी के बीच पाषाण काल था। और यहाँ पर दया पवार यहाँ पर देखो, पानी पीने के लिए लोग कितना ज्यादा रंगभेद में आ जाते थे कि नहीं, हिंदुस्तान में देख लो तो आप दूसरे धर्म नीचे धर्म के हो तो आप सार्वजनिक स्थान पर आकर पानी नहीं पी सकते, मंदिर में नहीं जा सकते, कहीं बैठ नहीं सकते, ऐसा रीति रिवाज था। अब आगे की इधर पैदान सुनते हैं। माँ काली काली पतली देह, काली काली पतली देह वह माँ थी मेरी, जंगल में घूम ठीक सुबह से जलावन के लिए वह जंगल में घूमा करती थी। हम सारे भाई साथ बैठे देखते थे उसकी राह, मतलब वो कब आएगी वो हम बैठ कर देखते थे। ये सब उन लोगों का काम था भैया, हमारा काम था। और अगर वह जलावन न बेच पाती तो भूखे सो जाते थे। वामन निवालकर कहते हैं कि हम वो जंगल के लोग थे, तो जब तक कोई जंगल का लोग लकड़ी बेच कर पैसा कमा कर नहीं लाता है तो वो लोग खाते भी नहीं थे, उस दिन भूखे सोना पड़ता था। अगले भाग में हम पढ़ेंगे ये इमरान 10वीं कक्षा में क्या हुआ था उसके बाद, और ये सामाजिक विभाजन की राजनीति। ठीक है, तब तक इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। मिलते हैं भाग 3 में, आप जरूर मिलना। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आपको जो चीज भी पूछना हो यहाँ पे आप बेझिझक पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेल पर भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आपको विद इन 24 आवर में रिजल्ट प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, मतलब रिप्लाई मिल जाएगा। धन्यवाद।